तो हाँ भी बॉयज एंड बॉयजे आज चल है दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक गेट टू अनदर ब्लॉग बॉयज एंड गर्ल्स आज की वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट बड़े अरसे बाद आपका भाई थोड़ा टेक रिव्यू वाली वीडियो बना रहा है मैं पहले भी बनाता होता था क्योंकि मेरा ब्लॉगंग रिलेटेड कॉन्टेंट है तो ऑब्वियसली कोई अगर नई डिवाइस आती है जो चीज को फेसिलिट करती है तो मैं उसके बारे में बात तो करूंगा मीनिंग आई के बारे में बिकॉज मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी अगर आप देखो ना तो एटी फाइव परसेंट ब्लॉग और आईफोन से रिकॉर्ड हुए मैं भाई पहले मैं रिकॉर्ड किया करता था मोटरोला से जी से फिर उसके बाद में आईफोन टेन पे आया था विच इज वन ऑफ द बेस्ट आईफोन एवर जो टेन आई फोन बनाया था उन्होंने उसके बाद फिर मैंने अपग्रेड किया था जा रहे हैं आई फोन सिक्सटीन प्रो मैक्स का फोन है बेसिकली। मैंने नहीं किया था, करी थी, तो मैंने कहा था देखूंगा अगर फिजा का फोन मुझे ऐसा लगा की मुझे फोर्टीन से सिक्सटीन पे अपग्रेड करना चाहिए देन आई वेल लेकिन अभी सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं करनी थी रिगार्डिंग टी शर्ट अब कुछ लोगों को बहुत चुल हो रही थी आपका

साइज टी शर्ट्स आ रही थी ना वो अगले चार पांच दिन में आउट हो जाएंगी इनशाला कोशिश तो ये हॉडी भी आ जाएंगी बेसिकली एंड ऑफ अक्टूबर होर्डीज भी आ जाएंगी ओवर साइज टी शर्ट भी निकल रही है जब आएंगी ना तो मैं वो अनाउंस कर दूंगा तो आप लोग फिर रेडी रहना उसके लिए वेरी लिमिटेड स्टॉक होगा कमिंग बैक टू द आई फोन वीडियो तो दिस इज द आई फोन सिक्सटीन प्रो मैक्स ये इसकी आपको पहली लुक नजर आती है फिजिकल फीचर में जिस दफा चेंज किया आपने देखा होगा वो लिटरली ये जो एक्शन बटन है जो कि पहले ये स्लाइडर होता था तो उन्होंने उसको चेंज करके एक बटन बना दिया जो कि ऑनस्टली स्पीकिंग मतलब कोई ऐसी चीज नहीं कि बहुत बड़ा अपग्रेड हो

ठीक है वो भी लेकिन एक बटन होना ना उसको ज्यादा हैंडी है ना ये मैंने बटन दबाया ये कैमरा खोल गया बटन के ऊपर अगर आप अपना एक स्लाइडर भी है जिससे जूम एंड जूम आउट भी हो जाएगा एज यू कैन सी और ऑल्सो इस बटन से आप अगर दबाओ तो पिक्चर्स भी ले सकते हो सिंस आप अगर कंटेंट बना रहे हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो आपने कैमरा को यूं पकड़ा होता है फिर यूं पकड़ा होता है तो ठीक है उन्होंने एडजस्ट उसको इस तरह ही किया बटन को कि बिल्कुल वो आपकी उंगली पे हो तो बेसिकली ये बटन आई एम श्योर उन्होंने कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए बनाया होगा क्योंकि जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं ना इस चीज को वो कह रहे हैं कि यार हमने जब से आई फोन सिक्सटीन लिया हम तो इस बटन को यूज ही नहीं कर रहे हम तो उसी तरह ही कैमरा खोलते हैं कॉन्टेंट क्रिएशन से बात आई तो फिर कैमरा की और बात करते हैं आजकल मैं आईफोन पे फोर पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ट्वेंटी या थर्टी एफ पे रख के ना अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है की

मैंने आईफोन से डीजीआई पे कन्वर्ट तो किया था लेकिन अगर आपको ईज ऑफ व्लॉगिंग चाहिए ना और आपको फास्ट शॉर्ट चाहिए और आप अपना कैमरा बहुत स्पीड में बदलते हो और फॉर जेब से निकाल के ब्लॉक करना चाहते हो तो I think your best investment would be an iPhone. आई थिंक योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट वुड बी एन आई फोन आई फोन कैमरा वर्क इज ओके मैं अभी भी अपने फोर्टीन प्रो से बहुत बॉम्ब किस्म के ब्लॉग बना सकता हूँ देर इज नो डाउट अबाउट दैट मेरा सजेशन ये होगा कॉन्टेंट क्रिएटर्स को ये जो शुरू करना चाहते हैं अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन को ही प्रेफरेंस है दे के ऊपर बिकॉज वेरी इजी टू हैंडल यू यू

0.5 वाला फीचर क्यों नहीं है एप्पल क्योंकि वरना ये जो सिनेमैटिक है ना, ब्लॉस क्लोजअप शॉट लेता है, ऑल डोस का सिनेमैटिक ब्यूटीफुल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने सिनेमैटिक से ली थी। ये थी 4K 30 फ्रेम्स पर रेट पे, लेकिन ये चेक करो जरा कुछ फुटेज। सिनेमैटिक्स आपको लास्ट व्लॉग में बड़े पसंद आए थे वो मैंने आईफोन से बनाए थे ऑजमो से नहीं बनाए थे एंड बहुत प्रोफेशनल लुक देता है इसकी। बाकी स्लोमो में पॉइंट फाइव डाल दिया स्लोमो में पॉइंट फाइव क्या करना है स्लोमो बंदा कौन सा इतना यूज करता है फोटो मोड पे अगर आप आ जाओ फोटो का बहुत होता है तो ये आपको पूरी एक बोली लुक देगा फॉर एग्जाम्पल नाइट मोड में अगर हम पिक्चर लें आई uh, मीन I mean, फर्क तो है लेकिन कैमरा क्वालिटी दोनों के अंदर इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं है कि आप अभी भी इसको अपग्रेड करो बाकी जो फ्रेम रेट्स हैं वो ऑनस्टली स्पीकिंग सेम ही है अगर आप इसका स्लाइड चेक करो तो इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है प्रो प्रो से ठीक है है वो प्रो मैक्स एज यू कैन सी बाकी जो एप्पल इंटेलिजेंस जिसका वादा किया गया था उसका जो लॉन्च है वो निकलना है वैसे भी डिसंबर में क्योंकि टाइमली रिलीज करना होता है आईफोन को तो आई थिंक वो अभी तक टेस्टिंग उसकी नहीं कंप्लीट होगी इसलिए उन्होंने आईफोन 16 को पहले निकाल दिया बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है डायनेमिक आईलैंड से लेके कोई इतनी अपग्रेड नहीं हुई तो मैं

दे क्योंकि मैं ये वाली शेप देख देख के थक गय पिछले पांच सालों से मे बी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा थिकनेस कर दे। यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन आ जाए आई नो यार मे बी ट्राई टू मेक इट अ फ्लिप फोन लाइक इसको करके फ्लिप बना लो कुछ कर लो थोड़ा डिफरेंट कर लो कुछ लोगों को इंटरटेनमेंट ही मिल जाएगी बात करने की बाकी क्योंकि मेरा फोन नहीं है फिजा का तो मैंने अभी इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया अभी तक तो मैं यही इसके बारे में बातें कर सकता हूँ अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा मेरे से तो यू गैस मी नो इन द अगेन अगेंट सब सबको डिलीवर हो जाएगी पुरानी वाली और अगर आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किया तो जो का लिंक नीचे लगा हुआ है आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं न्यू मर्च इज कमिंग वेरी सोन विदिन अ वी इनशाला बाकी डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब मूसा खाना और अगर आपको टेक रिव्यू पसंद है तो मैं और करूँगा इनशालास बाय बाय